क्या आपका दांत खाज खुजली ठीक नहीं हो रहा है? बहुत क्रीम लगाने के बाद भी इसको आराम नहीं मिल रहा है और आप डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर डेरोविन ऑइंटमेंट दिया है। आपने नाम तो सुना ही होगा, ऐसा एक क्रीम जो हो सकता है आपका चमड़े को जला दे। बहुत सारे क्रीम इस्तेमाल करने के बाद इसी से आराम आ ही जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरंजन कुंडू, आपका हमसफर और फार्मासिस्ट। आज बताएंगे डेरोविन ऑइंटमेंट के बारे में। आप देख लीजिए, ये है डेरोविन ऑइंटमेंट। देखने में ऐसा होता है जो इसका अंदर में मलम है और एक स्पैचुला दिया हुआ होता है। इसका मतलब है आप हाथ से नहीं, आप इस स्पैचुला द्वारा इसको इस्तेमाल करना है, हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल्स जानकारी देंगे। आप कहीं भी जाना मत, इस वीडियो आपके लिए बहुत खास इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं डेरोविन ऑइंटमेंट क्या है। डेरोविन ऑइंटमेंट ऐसा एक ऑइंटमेंट है जो सोराइसिस में यूज होता है और ये यूएसबी कंपनी द्वारा बनाया गया। 120 रुपए का एमआरपी है, 30 ग्राम का। अभी हम बात कर लेते हैं जी भाई, इसका बेनिफिट्स, इसका यूज क्या है। डेरोविन क्रीम सोराइसिस के लिए या त्वचा को मॉइस्चराइज करना है, पुराना दांत खाज खुजली हो गया, इसको ठीक नहीं हो रहा है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। कोई कई कई जगह में स्क्रैचेस आ गया, पुराना हो गया है, उसको ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और फंगल इन्फेक्शन हो गया है तब भी इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। तो इसका साइड इफेक्ट क्या है? हाँ, इसका साइड इफेक्ट भी है, जैसा आप इसको इस्तेमाल करोगे उस जगह जो है जल जाएगा और कभी कभी साइड इफेक्ट का तौर पे ये लालपन भी आ जाता है थोड़ा सा लगाने के बाद। और जिसका स्किन सेंसिटिव है उसके लिए भी ये प्रॉब्लम देता है। तो सेंसिटिव वाले जो स्किन है वो डॉक्टर को जरूर बताना। ये क्रीम का जो है आप लगाने के बाद थोड़ा सा जलन भी क्रिएट होता है, जलन पैदा होता है, तो ये भी एक का इसका साइड इफेक्ट है। कभी कभी रैशेस भी हो जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, इसको इस्तेमाल करने का विधि क्या है। इसको इस्तेमाल करने का पहले जिस जगह को इस्तेमाल करना है उसको अच्छा तरह से साफ कर लीजिए, फिर सुखा के फिर ये क्रीम थोड़ा मात्रा में इस्तेमाल करना है, ज्यादा फैलाना नहीं है। जिस जगह में प्रॉब्लम है उसी जगह में थोड़ा मात्रा में इस्तेमाल करना है। करने के बाद फिर 2 घंटा 3 घंटा बाद आप उस जगह को धो लेना है। इसीलिए इसको रात में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि रात को अगर आप 10 बजे आप इसको लगाते हो, सुबह अगर 7 बजे 6 बजे उठते हो तो 6 7 घंटा 8 घंटे का गैप हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, आप दिन में या सुबह लगाइए, 2 से 3 घंटे ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे का अंदर अंदर इसको धो लीजिए। ऐसा आप 2 टाइम लगाइए, सुबह और शाम को 4 5 बजे लगाइए, सबसे बढ़िया रहेगा। और इसको 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि ये चमड़ा जला देता है, तो ये सावधानी बरतना चाहिए। इसलिए डॉक्टर का देखरेख में इस्तेमाल करना चाहिए। कई लोग किसी ने बोला, पड़ोसी ने बोला, दोस्त ने बोला बोल के इसको इस्तेमाल करते हैं और इसका साइड इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा उसको मिल जाता है। इसलिए साइड इफेक्ट कम करने के लिए आपको डॉक्टर का देखरेख में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये सोराइसिस के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और इसका प्रिकॉशन क्या है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेशन मदर है, या जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं उसको इस क्रीम को इस्तेमाल करने का पहले डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए या इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बच्चे को, छोटे बच्चों को इस क्रीम को मत देना। 15 साल से जो भी छोटा है उसको इस क्रीम नहीं देना चाहिए, अगर देना भी पड़े तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। और एक प्रिकॉशन है, जैसे आपने इस क्रीम लगा लिया उसके बाद आप धूप में ना निकले, घर में ही रहे, क्योंकि सनलाइट का साथ ये और एलर्जिकल रिएक्शन दे सकता है। आशा करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिला होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारा दांत खाज खुजली के लिए और एक क्रीम बहुत बढ़िया वाला है, जो लूलीकोनाजोल, प्लीज ये वाला वीडियो देख लेना। और दांत खाज खुजली के लिए बहुत पुराना हो गया है, तो ये तो खाली क्रीम है, आपको अगर लगता है ना बहुत पुराना हो गया, कुछ ओराली भी लेना पड़ेगा, तो ये वाला वीडियो देख लेना। इसमें ओराली और टॉपिकल जो भी इस्तेमाल करना है इस वीडियो में बहुत डिटेल्स इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। फार्मासिस्ट कुंडू जी को सब्सक्राइब करें, और जो लोग सब्सक्राइब किए हो थैंक यू वेरी वेरी मच। और बेल आइकॉन प्रेस करना जरूर मत भूलना, क्योंकि आप इस बेल आइकॉन प्रेस करोगे तभी नोटिफिकेशन जाएगा और सबसे पहले आप वीडियो देख सकोगे। हमारा और एक चैनल है हेल्दी माइसेल्फ, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, प्लीज वहां जाइए और लेटेस्ट हेल्थ रिलेटेड वीडियो पाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।